संरक्षित होता जा रहा है, वे अपनी तरक्की में पर्यावरण का ध्यान रखना ही भूल गए हैं। पर्यावरण दूषित होने के कई कारण है, जैसे पेड़ पौधों को काटना, वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना। इसके साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सब का कर्तव्य समझना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में रहकर ही एक स्वच्छ मनुष्य और एक विकसित देश का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनिश्चित करती है कि आप सभी बहुत काबिल बच्चे, कम से कम आप लोगों ने हिम्मत दिखाई भाग लेने की। जहां तक पर्यावरण दिवस की बात है, तो जो कुछ बातें यहां स्टेज से सीनियर विंग जूनियर विंग के जो बच्चे थे उन्होंने बताई है, मुझे नहीं लगता कोई किसी स्कूल का टीचर या कोई जितना मर्जी कोई इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो, इतनी सारी बातें बता सकता है, बशर्ते अगर आपने बातें ध्यान से सुनी है। इतना डिटेल में आपको जानकारी दी गई है, तो इनमें से अगर आती बातें अगर आप लोग अपने जहन में बिठाते हैं, उनको अपने लाइफ में अपने दिनचर्या में अपनाने का प्रयास करते हैं, तो रोज क्या हर साल ये पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे आपके याददाश्त बहुत कम होती है। जो जागरूक करने का प्रयास इंस्टीट्यूशन के द्वारा सरकार के द्वारा किया जाता है उसकी याददाश्त हमारी एक ही साल की, इसलिए एक साल के बाद दोबारा रिमाइंड करवाया जाता है कि पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाना है, इसके लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन जानकारी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आपको दी गई है उन सभी को हमने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। कि आप सबको पता है कि जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो हमारे आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन,
एज ए टीचर मेरी सभी से राय रहेगी कि जो जो बातें बताई गई है उनको, चाहे स्कूल कैंपस है, चाहे रास्ता है, चाहे गांव है, गली है, हमारा आपका घर है, परिवार है, इन सभी बातों को हमने वहाँ पर अपनाने का प्रयास करना है। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को, पूरे स्टाफ को मेरी ओर से इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।